हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, तो आज मैं यहाँ पर घूमने आया था वैद्यनाथ जी के। तो आज मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं, तो मैं आपको ये दिखाऊंगा वैद्यनाथ। और ये अभी वैद्यनाथ जी के यहाँ गेट मेन गेट पर खड़ा हूँ, जो ये लगभग पुष्कर से 18 किलोमीटर दूर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा है, देखने लायक है बिल्कुल। और आपका भी कोई मौका पड़े तो आप आ सकते हो यहाँ पर। और ये मेन गेट है वैद्यनाथ जी का। चलो गाइस आगे चलते, मैं बताता हूँ कि इधर क्या क्या है और मंदिर कैसा है, कैसे क्या है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने लायक भी है बिल्कुल। और बिल्कुल आप देख सकते हो आसपास का नज़ारा कितना सुंदर है। और बिल्कुल अभी तो क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है, इसलिए मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं। चलो आज आउल और मैं आया था, तो आगे चल के बताता हूँ आपको क्या क्या है। हाँ तो गाइस मैं आ गया हूँ यहाँ पर मंदिर के ऊपर। यहाँ पे मंदिर है तो मैं आपको दिखाऊंगा। और कृपया आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा कमेंट करें। हाँ तो आगे चल के बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या क्या है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत मतलब साल में अधिकतर मतलब बहुत कम चांस रहता है कि यहाँ पर पानी नहीं होता, हमेशा यहाँ पर पानी रहता है। आप कभी भी आओगे तो आपको इधर पानी मिल जाएगा। जो तो अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है तो भी यहाँ पर पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो कुएं बनाया हुआ है कुएं टाइप में, इनमें अभी पानी है। और यहाँ पर अभी बच्चे नहा रहे हैं। मैं आपको चलो आपको दिखाता हूँ कि मतलब कैसे क्या है। ये देख सकते हो आप इधर मतलब ज़्यादा बड़े तो नहीं है, मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ है। इधर ये जामुन का पेड़ है, अभी इनके लगना स्टार्ट हुआ है। और ये विभिन्न प्रकार के मतलब धर्मशाला बनाए गए यहाँ पे। तो यहाँ पर सुहामनी वगैरह होती रहती है, तो उसकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। ये देख लो इधर मतलब बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर, मतलब पहाड़ी के बीच में बहुत मतलब यहाँ पे सारी सुविधा है, पानी आने की, पीने की, मतलब पानी पीने की सुविधा भी है, लाइट की सुविधा है। तो आप देख रहे हो ये देखो कितने, इधर भी देख सकते हो आप, इधर भी दम था। तो यहाँ पे बच्चे नहाते रहते हैं क्योंकि पीने का पानी, तो यहाँ पानी की बहुत कमी नहीं है कोई भी, मतलब बहुत अच्छी तरीके का पानी है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे मतलब बकरियाँ चलाना आते हैं। ये देख रहे हो आप बच्चे नहा रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। तो इधर भी बहुत दूर से पानी आ रहा है, वो आपको मैं बताऊँगा। बिल्कुल चट्टानों के बीच में से पानी आ रहा है। तो यहाँ पे शिवलिंग भी रखा गया है छोटा सा, इस वजह से यहाँ पे मतलब लोग बाग बोलते हैं कि यहाँ पे पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये देख सकते हो आप, ये शिवलिंग रखा गया है यहाँ पे, मतलब इसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता है। मतलब साल में 365 दिन यहाँ पे पानी आता रहता है। ये इधर बिल्कुल देख सकते हो आप, इधर जा रही है बिल्कुल पानी की जो ये हीर बोलते हैं इसको। और मैं आपको ऊपर भी बताता हूँ कि ये आ गया हूँ मंदिर के अंदर। आप देख सकते हो अभी ये है मंदिर का मतलब मेन गेट मंदिर का, अभी इधर है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पे पीने की पानी की सुविधा ये है। यहाँ पे पीने की पानी, ये बिल्कुल पानी साफ है, आप देख सकते हो बिल्कुल। हाँ तो बस मेन मंदिर के वहाँ पहुँच गए हैं हम। तो आज मैं आपको बताऊँगा श्री वैद्यनाथ जी महाराज जी का मंदिर यहाँ अंदर है। आप देख सकते हो कि मतलब श्री वैद्यनाथ जी वैद्यनाथ जी, आप देख सकते हो इस प्रकार यहाँ मंदिर बनाया गया। और काफ़ी मतलब नीचे की तरफ बनाया गया है, तो लोग बाग क्या इधर से यहाँ आने का रास्ता है और ये इधर से जाने का है मतलब रास्ता, इधर से जाते हैं वापस। तो अभी तो क्या ये गेट बंद कर रखा है क्योंकि अभी तो ज़्यादा भीड़ भीड़ की कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो इस प्रकार मतलब
हाँ तो भाई हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। हाँ तो भाई चलो बाहर चलते हैं। हाँ तो वीडियो, हाँ तो भाई मैं आज यहाँ आया हुआ था तो मैंने बताया था कि आज मैंने पूरा मतलब व्यू दिखाया है वैद्यनाथ जी का। आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है जो ये पुष्कर से लगभग 18 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो आपका भी कभी मौका पड़े तो आप आ सकते हो यहाँ पर। आप देख सकते हो इधर नीचे की तरफ है मंदिर, तो मैंने पूरा व्यू दिखा दिया है। हाँ तो चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।